हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द भविष्य में कभी नहीं होगा, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके घुटने कमज़ोर नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में वात नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा आप हमेशा हेल्दी और फिट रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वो चीज़ कौन सी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ और उसके फ़ायदे क्या हैं। इसका नाम है चूना। जी हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इंग्लिश में इसे लाइम पाउडर कहते हैं। सफ़ेद चूने का इस्तेमाल हमारे देश में पान लगाने में किया जाता है। पान में आप देखते होंगे चूना लगाते हैं, तो आज इसी चूने के फायदे के बारे में जानते हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पान खाने वाले लोग चूना लगाकर पान खाते हैं, फिर उनके घुटनों में दर्द क्यों होता है, उनकी हड्डियां कैसे कमजोर हो सकती हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे हो सकती है। तो आपको एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है क्योंकि कि जब पान बनाया जाता है तो उसके अंदर कत्था यानी तंबाकू भी लगाया जाता है, जिसके कारण वो चूने के असर को बिल्कुल खत्म कर देता है और हड्डियों को खोखला कर देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं चूने के फायदों के बारे में और चूना किस तरह से खाया जाता है, इसके नुकसान भी हैं कुछ वो भी जानेंगे, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने दिन तक हमें चूना खाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर खाने का सोच रहे हैं। तो वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, ये वीडियो से बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। वात के रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है ये चूना, यानी कि कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, कंधे में दर्द हो उसे खत्म करता है चूना, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता। आयुर्वेद में बताया गया है कि चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। आपको पता होगा कि कैल्शियम की कमी से शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, शरीर में हर तरह का दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न, हड्डियों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, कैल्शियम की कमी से आती हैं। इसके अलावा खून का गंदा होना, खून का गाढ़ा होना या फिर खून का कम होना, ये भी शरीर में कैल्शियम की कमी से ही आता है। कैल्शियम एक ऐसा घटक है जो शरीर में होने से बाकी के सभी विटामिन और मिनरल हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं हमारे शरीर में विटामिन ए का असर दिखे तो आपके शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन, इन सभी का असर आपके शरीर में दिखे तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना ही चाहिए। तो इसीलिए आपको हमेशा कैल्शियम की जाँच करवाते रहना चाहिए, 6 महीने में विटामिन की जाँच करवाते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है और उस विटामिन को आप पूरा कर सकें। शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो पोषक तत्वों की कमी से आती हैं या फिर जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन पोषक तत्वों के कारण जो कमी आई है या बीमारियां हुई हैं उन्हें हम जरूर रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चूना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता, शरीर में कभी भी वात यानी वायु नहीं बढ़ने देता, आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा। इसके सेवन से आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। चाहे किसी इंसान की हड्डी टूट चुकी है या फिर हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उनको रोजाना चूना जरूर खाना चाहिए। यह हड्डियों को बहुत जल्दी जोड़ता भी है और हड्डियों को मजबूती भी देता है। अगर आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपको गठिया की समस्या हो गई है जिस वजह से आपको कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो आपको रोजाना चूना जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, ठंडा गर्म का एहसास आपके दांतों में होता है, तो भी आपको चूने का इस्तेमाल रोजाना करना है। अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर करने का काम यह चूना करता है। जब हमारे खून के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो यह बुरा कोलेस्ट्रॉल का कारण बनती है और उसे दूर करने का काम यह चूना बहुत आराम से करता है। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर में ट्राइग्लिसराइड को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप रोजाना चूने का इस्तेमाल कीजिए। वैसे भी अब गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो आप गर्मियों में मटके का इस्तेमाल तो पानी भरने के लिए ज़रूर करते होंगे और इसी में से पानी पीते होंगे। दोस्तों, इस मटके के अंदर आप 3 से 4 ग्राम चूना मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप खुद भी पानी इसी का पीजिए और अपने परिवार को भी यही पानी पिलाइए। जिंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी
से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो भी नहीं होंगी। ध्यान रखिए 3 से 4 ग्राम से ज्यादा चूना आपने मटके में मिक्स नहीं करना और इनका सेवन ऐसा ही मटके में रोज पानी डालना है और चूना डालना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 60 दिन से ज्यादा आपने चूने का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो कैल्शियम ज्यादा बढ़ जाता है और उसके नुकसान शरीर में दिखने लगते हैं, जैसे कि पथरी की समस्या हो जाती है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि 60 दिन से ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करें। जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उन लोगों को चूना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उस उम्र के बाद हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो इसीलिए जरूरी है रोजाना सिर्फ 1 ग्राम चूने का इस्तेमाल जरूर करें। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ वालों को चूना ज़रूर खाना चाहिए, ये शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों शुगर की बीमारी की वजह से क्या होता है, खाने पीने की पूरी आज़ादी नहीं होती, जिसके कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। शुगर पेशेंट के शरीर में कमजोरी, थकान ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि पोषक तत्व प्रॉपर नहीं पहुँच पाते। तो उन लोगों को ज़रूर चूना खाना चाहिए, उनकी ये पोषक तत्वों की कमजोरी, थकान, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चूने का एक और कमाल का फायदा है, ये पुरुषों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी को दूर करता है। जो भी पुरुष अंदरूनी कमजोरी से जूझ रहे हैं, शरीर के अंदर वीर्य की कमी हो चुकी है, तो दोस्तों उनको रोजाना चूने का इस्तेमाल जरूर करना है। 60 दिन तक आपको 1 ग्राम चूना गन्ने के रस के अंदर मिक्स करके पीना है। गर्मी आ चुकी है तो गन्ने का रस बहुत आराम से मिल जाता है। अगर आप गन्ने के रस में नहीं लेना चाहते तो आप 1 ग्राम चूना दही के अंदर डालकर ले सकते हैं। 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लें। 1 ग्राम की मात्रा कितनी होती है, गेहूं के दाने के बराबर या चावल के दाने के बराबर, बस इतनी मिक्स करनी है। आप दही में मिक्स कर सकते हैं, गन्ने के जूस में मिक्स कर सकते हैं, आप दाल में मिक्स करके ले सकते हैं। रोजाना 60 दिन तक अगर आप ऐसे ही लेते हैं तो शरीर में जितनी भी कमजोरी है, हड्डियों की कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिला के लिए चूना फायदेमंद है। प्रेग्नेंट महिला अगर अनार के जूस में 1 ग्राम चूने की मात्रा को मिलाकर मिक्स करके 1 से 1.5 महीना पीती है तो इसमें माँ और बच्चे दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। चूने में कैल्शियम होता है जो बच्चे के विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों के साथ साथ बच्चे के दिमाग को तेज करता है। डिलीवरी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा जिसकी बॉडी में शराब ज़्यादा पीने के कारण, स्मोकिंग करने के कारण स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, लीवर में स्वेलिंग आ चुकी है, चेहरे पर सूजन आ चुकी है, फैटी लीवर की समस्या हो चुकी है, तो उन लोगों को चूने का इस्तेमाल रोजाना ज़रूर करना चाहिए। गन्ने के जूस के अंदर मिक्स करके अच्छे से मिक्स करिए और 60 दिन तक ऐसे ही पीजिए। ऐसा करने से फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा आपको शराब पीना तो छोड़ना ही होगा। अगर आप गन्ने के जूस के अंदर मिक्स करके नहीं लेना चाहते तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच गुड़ को मिक्स करके घोल कर उसके अंदर 1 ग्राम चूना मिक्स करके पीजिए। 1.5 महीने तक ऐसे ही पीने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना है। इस केस में यानी खून की कमी वाले केस में आपको अनार के जूस के साथ इसका इस्तेमाल करना है। 1 गिलास अनार का जूस लीजिए, उसके अंदर 1 ग्राम की मात्रा में चूना अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे पी लीजिए। लगातार 15 से 20 दिन तक करने से खून की कमी पूरी हो जाती है, प्लेटलेट्स बढ़ने लगेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा होते हैं, तो भी आपके लिए चूना बहुत फायदेमंद है। बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए, बड़े की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी चूने का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने ड्राई चूने का इस्तेमाल नहीं करना, गीले चूने का ही इस्तेमाल में लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप चूना पानी में घोल कर ले सकते हैं, दही में डाल कर ले सकते हैं या फिर दाल में घोल कर ले सकते हैं, गन्ने के जूस में मिक्स करके ले सकते हैं, अनार के साथ आप ले सकते हैं यानी अनार के जूस के साथ ले सकते हैं, लेकिन चूने को कभी भी दूध में डालकर नहीं लें। इस बात का ध्यान रखिएगा, यह आपके शरीर में 70 से 80 बीमारियों को ख़त्म कर देगा। शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, खून गाढ़ा हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम है, वात के रोग हो गए हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी है, ये सारी की सारी समस्याएं चूने के इस्तेमाल के द्वारा ठीक की जा सकती हैं, दूर की जा सकती हैं। सावधानी रखनी इतनी ज़रूरी है कि आपने इसकी क्वांटिटी का यानी कि मात्रा का ध्यान रखना है। 1 ग्राम से ज़्यादा चूना नहीं लेना, यानी कि गेहूँ के 1 दाने के बराबर ही चूना लेना है। जिनको पथरी की समस्या है, उन लोगों ने किडनी स्टोन है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, उन लोगों ने चूने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।